Good morning, friends. A new day full of new sunshine and full of new opportunities awaits you. आज इस सुबह इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अहमदाबाद फिर से वापस काम करना शुरू कर रहा है। स्टूडेंट्स, आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप सब लोग 10th स्टैंडर्ड खत्म करके 11th स्टैंडर्ड में एंटर हो गए हैं और ये एक डिसिसिव ईयर होने के साथ साथ आपका करियर चेंजिंग ईयर भी है, बिकॉज यहां तक आपने एक जनरल स्टडीज का अप्रोच लिया हुआ था, यहां से आपका अप्रोच बदलता है, आप स्ट्रीम चुनते हैं। और अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं राइट नाउ तो आपने डेफिनेटली कॉमर्स चुना है। स्टूडेंट्स, कॉमर्स में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं इसके बारे में तो हमारे फैकल्टीज आपको बहुत कुछ बता चुके हो। कई नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, अकाउंट्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, बीए, ये सब्जेक्ट्स के बारे में भी आपको जानकारी अभी तक मिल चुकी होगी। आप सोच रहे होंगे आपको कैसे पता? Well, मुझे पता है कि मेरा लेक्चर सबसे आखिर में आ रहा है। जैसे इंग्लिश में कहा हुआ था, यू सेव द बेस्ट डिश फॉर द लास्ट, उसी तरह से हमने इंग्लिश को आखिरी के लिए बचा के रखा था, इंग्लिश को हमने सबसे आखिर में दिया है। बेटा, 10th स्टैंडर्ड के मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स आपका साथ छोड़ चुके हैं, अब न SST है, न मैथमेटिक्स है, न साइंस है। तो आप सोच रहे होंगे इंग्लिश क्या कर रहा है, इस इंग्लिश से जान कब छूटेगी? बेटा, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिससे आपकी जान छूटेगी। बहुत बड़ा रीजन है कि इंग्लिश आपके सिलेबस का हिस्सा होता है। अब अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो, स्टेटिस्टिक्स हो या BA हो, ये आपको मनी मैटर्स के बारे में बताते हैं। और आप सब जानते हैं पैसा इमोशंस को नहीं समझता, तो फिर इंग्लिश क्या कर रहे हैं यहां पे? इंग्लिश का मकसद बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का मकसद है आप सबको अच्छा इंसान बनाना। हमारे टेक्स्ट बुक की जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी पोम्स हैं, वो सब के सब कुछ मॉरल लेसन, कुछ मॉरल टीचिंग लेके चलती हैं, जिनकी मदद से हमारे ह्यूमन वैल्यूज इंप्रूव होते हैं, हमारे अंदर इंस्टिल होती हैं ऐसी खूबियां, ऐसी सोच जो हमें इंसान बनाए रखती है। मोर ओवर, आपको कई सारी चीजें और भी सीखने को मिलेंगी। कई सारे बच्चों के दिमाग में एक सोच होती है कि इंग्लिश का मकसद सिर्फ टेक्स्ट रीड करना है, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लिश का मकसद बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बिजनेस की किसी भी फील्ड में चले जाइए बेटा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी पहचान बनाते हैं। कोई अच्छा कम्युनिकेटर होकर नरेंद्र मोदी बन जाता है और कोई बुरा कम्युनिकेटर होकर राहुल गांधी बन जाता है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई बहुत फेमस बन गया और कोई नहीं बन पाया। सबसे बड़ा उसमें फैक्टर कम्युनिकेशन है। तो इंग्लिश के अंदर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज इंप्रूव होती हैं, आपको पता चलता है कि एक फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, आपके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपके लिसनिंग स्किल्स इंप्रूव होते हैं। उसके साथ साथ एक सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश का एक सबसे मजेदार पार्ट है जिसने लगातार आपको तंग किया हुआ है, नाम लिख दो उसका यार, ग्रामर। अब ये भाई साहब इतने शैतान हैं कि इन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक आपको हैरान करके रखा। मेरे पास अक्सर कई बच्चे बताते हैं, कहते हैं सामने से आके कि सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन ग्रामर में क्या करें। ऐसा लगभग कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको ग्रामर में ट्रबल्स नहीं होंगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है बेटा। आपको आज तक अगर ग्रामर रिलेटेड इश्यूज रहे हैं किसी भी टॉपिक में, चाहे वो एक्टिव पैसिव वॉइस हो, डिग्री हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, क्वेश्चन टैग हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको जितनी भी मुसीबतें रही हैं उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है और वो रीजन है रूल्स। ग्रामर को समझाने के बजाय उसके रूल्स रटवाए गए आपको, एंड दैट्स व्हाई आपके मन में ग्रामर के रिगार्डिंग एक भ्रम पैदा हो गया, क्योंकि जो भी चीज रटवाई जाती है उसको हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। किसी भी चीज के एक्सेप्टेंस के लिए
उसका रीजन समझना, उसका पर्पस समझना बहुत जरूरी है, और यही हमारा ग्रामर डिफर कर जाता है। अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा ग्रामर एग्जिस्ट करता है जिसमें ये भाई साहब नहीं है, यानी अगर मैं रूल्स को गायब कर दूं और आपको कहूं कि बिना रूल्स का ग्रामर सीखेंगे जिसमें हर चीज की वजह जानने को मिलेगी, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन दैट इज द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू। हम सिर्फ आपको ग्रामर नहीं सिखाएंगे, उसका इस्तेमाल सिखाएंगे, उसका उपयोग सिखाएंगे, और यही रीजन है इतने सालों की पढ़ाई के बावजूद आप ग्रामर को सिर्फ रट पाए हैं, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, एंड द कोर रीजन बिहाइंड दैट इज दे हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंडिंग ग्रामर थरल ओवर द इयर्स। अगर आप लोग ग्रामर को अच्छे से समझ पाए होते तो आप लोगों को इतनी मुसीबतें उठानी ही नहीं पड़ती। मसलन आपको एग्जाम्पल दे दूं कि आप में से किसी बच्चे को रेयर पता होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में फर्क क्या होता है। नहीं नहीं बेटा, मैं वो आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट, नहीं 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 नहीं, ये तो रटा हुआ है। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है, ये सारी चीजें ग्रामर के अंदर आपको हम सिखाएंगे। यकीन मानिए आपने पूरे 10 साल इतना ग्रामर नहीं किया होगा जो आने वाले 2 सालों में हम आप लोगों को कराएंगे। सो लेट्स गेट रेडी फॉर एंटरटेनिंग एंड वंडरफुल राइड इन टर्म्स ऑफ ग्रामर। इंग्लिश का एक और इंपॉर्टेंट रीजन है आपके सिलेबस में होने का, और वो इंपॉर्टेंट रीजन है इंग्लिश आपका स्ट्रेस बस्टर है। इकोनॉमिक्स, BA, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स इतने लेंदी सब्जेक्ट्स हैं जिनको पढ़ पढ़ के बच्चा बोर हो जाता है, तो हमारे लेक्चर्स अटेंड करके आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाता है। मुस्कुराते खिलखिलाते हुए बच्चे इंग्लिश की शोभा बढ़ाते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में जैसे ही हमारे लेक्चर्स शुरू होंगे आप सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, एंजॉय करेंगे और मजे से पढ़ेंगे। COVID-19 के चलते हम सब अपने घरों पे हैं, हमारी मुलाकात फोन पे हो रही है, इसी वजह से मैं आपके साथ क्लासरूम्स में नहीं हूं, लेकिन एक दुआ है मन में कि बहुत जल्द हालात सुधरें और हम आप क्लासरूम में मिल सकें। अरे हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं हमको बातचीत करते हुए, मैंने अपना नाम नहीं बताया आप लोगों को। आप सोच रहे होंगे ये कौन आ गया भाई, हमसे सिर्फ बात किए जा रहा है, अपने बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो मेरा नाम अशोक देवनानी है, आई एम योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आप सोच रहे होंगे अजीब बंदा है, हाँ बेटा मैं थोड़ा अजीब ही हूं। आई हैव डन MBA ट्वाइस, आई हैव डन अ कंप्यूटर कोर्स, नॉट अ नॉर्मल कंप्यूटर कोर्स, दैट्स डिप्लोमा इन IT। बिसाइड्स आई हैव अ डिग्री ऑफ लॉ ऑल्सो, आई हैव डन MBA इन HR, आई हैव डन MBA इन फाइनेंस, आई हैव डन MA इन लिटरेचर। बिसाइड्स आई एम द फर्स्ट स्टूडेंट from Gujarat to be certified by International Language Academy of Canada for a specific course known as TESOL, that is teaching English to speakers of other languages. I am a teacher by choice. For me, my subject is my passion, and I hope कि आप लोग भी उतना passionately हमसे जुड़ेंगे, सीखेंगे, enjoy करेंगे. Welcome to the new world. Welcome to commerce and welcome to Prayatna SPGT. Thank you.